नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। भवानी मंडी में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को सम्मान पूर्वक मनाए जाने को लेकर नगर पालिका परिषद में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। बैठक में कोविड-19 की पालना करते हुए सम्मान पूर्वक समारोह को बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, विकास अधिकारी राजू तोमर, सहायक अभियंता मानवेंद्र सिंह, राजस्व अधिकारी पुखराज मीणा, पीएचडी अधिकारी चौहान व समस्त स्कूल के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। चौमेला उनेल थाने के बरडिया लाखा के युवक ने पारिवारिक तनाव के चलते युवक ने लगाई फांसी। सूचना पर उनेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सीएससी चौमेला पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर कार्रवाई प्रारंभ की। से सूचना प्राप्त हुई थी कि कालू सिंह पिता भुवन सिंह सोनिया राजपूत, उम्र 25 साल, निवासी बरडिया लाखा, उसने अपने घर में बलेडे से गले में फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। इस सिलसिले में मैं सूचना पर वहाँ पहुँचा तो देखा ये घर में मरता। झालावाड़ जिले के गंगदा तहसील के चरूरी गांव में संघ के कार्यकर्ता पर्यावरण प्रेमी कुलदीप शर्मा ने स्कूल में छायादार फलदार व फूल वाले पेड़ पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। कुलदीप शर्मा ने अपने गांव के विद्यालय में गुरुजनों के सानिध्य में वृक्षारोपण कर जन्मदिन मनाया, गुरुजनों को आशीर्वाद लिया। कुलदीप ने बताया कि आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, हजारों रुपये बेकार खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं बचपन से ही इस विद्यालय में पढ़ा हूँ। शुरू से ही संघ के शाखाओं के माध्यम से मुझे यह सीखने को मिला कि हमें पर्यावरण की रक्षा व अपने गुरुजनों माता पिता से हमेशा आत्मीयता के साथ जुड़ाव रखना चाहिए। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कचनारा रणधीर सिंह, चोर बैडी प्रधानाध्यापक श्याम सिंह गोपाल शर्मा मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के डक कस्बे में थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी की अगुवाई में एसडीआरएफ व पुलिस जाब्ते ने आगामी त्यौहार को देखते हुए डक कस्बे के मुख्य बाजारों सहित प्रमुख स्थानों से शांति मार्च निकाला, ताकि क्षेत्र व कस्बे का सांप्रदायिक सौहार्द के साथ आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय बना रहे। इस दौरान पुलिस जाब्ते ने गंगदार गेट, पुराना बस स्टैंड, चौराहे पर निकलने वाले वाहनों को यातायात नियमों के बारे में बताया तथा अपील की गई कि वाहन चलाते समय बिना हेलमेट, बिना नेम प्लेट के वाहन नहीं चलाएं, पूर्ण दस्तावेज के साथ रखकर यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि अनावश्यक रूप से परेशानी होने से बचा जा सके। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने आगामी त्यौहार को देखते हुए जनता से अपील की कि किसी प्रकार के से त्यौहारों पर सद्भाव नहीं बिगाड़ें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें व आपसी मेलजोल बनाए रखें। शांति बनाए रखने के लिए और बीच बीच में रोक के नाकाबंदी की जा रही है, जिसमें आने मोटर साइकिल वगैरह यातायात के नियमों की पालना कराने के लिए इनके वाहनों के कागजात किए चेक किया जा रहा है। कस्बे वासियों और आसपास के लोगों से मेरी अपील है कि जब भी वाहन लेकर आप सफ़र करें तो अपने पिड़ाओं में 6 दिन बाद बरसात से मिली राहत के बाद हर तरफ तबाही व नुकसान के मंजर दिखाई दे रहे हैं। कई मकान ढहने तो कई फसल खराब होने के हालात बने रही है। भारी बरसात के चलते ग्राम ढाबला भोज में एक गरीब का आशियाना ढह गया। ग्रामीण शिवराज सिंह ने बताया कि गुरुवार को तड़के 5 बजे भारी बारिश के चलते मनोहर सिंह के कच्चे मकान की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि मकान में कोई जनहानि नहीं, जिससे कोई भी जनहानि नहीं। वहीं असेंबली चौहान में खेतों में जलभराव के चलते फसलें तबाह होने सूचना मिली। किसान बहादुर सिंह ने बताया कि अतिवृष्टि से कई खेत जलमग्न हो गए, खेतों में जलभराव हो गए। सोयाबीन मक्का की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, फसल खेतों में आड़ी पड़ गई। पहले ही महंगे बीज की मार झेल चुके किसानों की उम्मीदों पर भारी बारिश ने पानी फेर दिया है। वहीं दाता में एक किसान तूफान सिंह का पशु आश्रय स्थल ढह गया, जिससे अंदर रखा किसान का लहसुन व पशुओं का चारा खराब हो गया। देर शाम की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचोरी एवं मिस्टर भंडार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एवं मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है।
हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। पद्मावती कलेक्शन, माथे की बिंदिया से लेकर पैर की बिछिया तक संपूर्ण सौंदर्य प्रसादन की होलसेल व रिटेल सामान की एकमात्र दुकान। दुल्हन की ज्वेलरी व दूल्हे की शेरवानी रेंट पर भी मिलती है। सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां एवं हाई गोल्ड में रोलेक्स कड़े, चूड़ी आदि कड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध। हर नारी का सौंदर्य प्रसादन एक ही छत के नीचे, पद्मावती कलेक्शन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां, लाग, ब्रास, सीप, मेटल, रोलेक्स, हाई गोल्ड चूड़ी कड़े होलसेल रेट में उपलब्ध हैं। हाई गोल्ड रोलेक्स हार सेट, एयररिंग, ब्रासलेट, लेडीज साइड पर्स, हैंड पर्स, ब्राइडल पर्स हाई क्वालिटी में होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। का सामान, मोट, टर्रा कटार, कलंगी, पूजा थाली, तिलक साफे, माणक थम, कंठी माला आदि भी उपलब्ध है। पद्मावती कलेक्शन, हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, राधे श्याम मंदिर की गली, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर योगेश शर्मा, जिनका मोबाइल नंबर है 9983207819829592888। तो चले आइए पद्मावती कलेक्शन। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे। आ दूर देश रहा है मामला, अब जाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई, बन जा रहा हूँ छोड़ के माता दाओ एक नीरा बन जा रहा रे, बन जा रहा। We're gonna make it.